हेलो स्टूडेंट्स, लॉजिक बिल्डिंग की सेकंड क्लास में आपका स्वागत है। आपको कल मैंने बेसिक बताया था कि एक प्रोग्राम है, उसके दो फेजेज हैं, एल्गोरिदम बिल्डिंग और सेकंड है प्रोग्रामिंग आपकी। नाउ उसी के अंडर हम लोग फर्स्ट पार्ट के अंडर हम पढ़ रहे हैं जो आपकी प्रॉब्लम्स होती है, टाइप्स ऑफ कॉम्प्यूटेशनल प्रॉब्लम्स। तो आपकी नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स रहेंगी, या तो लूप बेस्ड प्रॉब्लम होगी, या एरे बेस्ड होगी, या स्ट्रिंग बेस्ड होगी, या सॉर्टिंग एंड सर्चिंग रिलेटेड प्रॉब्लम्स आपकी रहेंगी। ये एक एक हम डेली करेंगे। आज हम नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स लेंगे और हर एक के साथ आपको मॉड्यूल मिलेगा। मॉड्यूल में आपके लास्ट में एक एक्टिविटी भी दी हुई है जो आपको करके अपने मेंटोर को सबमिट करने हैं, जो कि आपके प्रोग्राम्स रहेंगे बेसिक, वो आपको एल्गोरिदम्स बना के और सबमिट करनी होंगी। तो अब स्टार्ट करते हैं नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स। सो स्टूडेंट, स्टार्ट करते हैं नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स से। नंबर बेस्ड प्रॉब्लम्स क्या है? एक्चुअली जो भी आपकी कॉम्प्यूटेशनल प्रॉब्लम है उसमें आपको पता है यू हैव टू डील विद नंबर्स। और ऐसा भी हो सकता है जब आप यूज कर रहे हैं नंबर्स को तो आपको कुछ ऑपरेशंस लगाने पड़े, जैसे एडिशन का, सब्ट्रैक्शन का, या मल्टीप्लिकेशन या डिवाइड, कुछ भी बेसिक आपको ऑपरेशंस लगाने पड़ सकते हैं। अब जो ये नंबर्स हैं ये हमेशा आप स्टोर करते हैं मेमोरी में। अब क्या है, जो भी आपके ये नंबर्स हैं ये आप कहीं ना कहीं एक मेमोरी में स्टोर करते हैं। हमेशा मेमोरी रहेगी आपकी, उसमें आपको स्टोर कराना होता है और कॉम्प्यूटेशनल टाइम पर आपको ये एक्सेस मेमोरी में से बाहर निकालना है या फिर मेमोरी में वापस डालना है। तो ये इनपुट आउटपुट आपका रहता है कि आपको कभी मेमोरी के अंदर डालना पड़ जाता है नंबर को, कभी मेरे को किसी चीज़ के लिए चाहिए तो वो बाहर रिट्रीव भी करना पड़ जाता है, तो एक्सेस करना पड़ता है। तो एक स्पेसिफिक नाम होना चाहिए उस नंबर के लिए। तो हम वेरिएबल्स डिफाइन कर देते हैं, मान लीजिए एक्स इज इक्वल टू 40 वैल्यू डाल दी, तो मतलब एक x मेरा वेरिएबल है जिसकी वैल्यू अभी 40 डाली है, क्या पता है प्रोग्राम के हिसाब से इसकी वैल्यू चेंज भी हो जाए, तो वो वेरिएबल आपके रहते हैं, तो इसको वेरिएबल नेम्स कहा जाता है इनको। अब होता क्या है कि आपको जब भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं तो आपको देखना पड़ता है कि किस हिसाब से आपको वेरिएबल्स को चेंज करना है ताकि आपका जो आउटपुट है, जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व हो जाए, उस हिसाब से आपको एल्गोरिथम डिजाइन करनी पड़ती है। अब मैं आपको एक एग्जांपल के जरिए समझाऊंगा कि किस तरह से ये होता है। सो नाउ मेरी प्रॉब्लम है कि मुझे डिजाइन करनी है एक एल्गोरिथम जो एक्सेप्ट करे टू नंबर्स, ठीक है, एक्स एंड वाई, कोई भी दो नंबर यूजर इनपुट करा सकता है, फिर उनकी जो वैल्यूज हैं उनको एक्सचेंज कर दे। मतलब मान लो यूजर ने एक्स की वैल्यू डाली 10, वाई की वैल्यू डाली 20, मेरा जो एल्गोरिथम है वो इन दोनों को स्वैप कर दे। इसको बहुत फेमस एग्जांपल है, स्वैपिंग बोलते हैं, यहाँ 20 हो जाए, यहाँ 10 हो जाए। तो देखने में तो बड़ा इजी लग रहा है, ऐसा आप सोचेंगे कि क्या बात है, एक्स को मैं पहले इधर डाल देता हूँ वाई में, फिर वाई को डाल दूंगा इधर। बट ऐसे डायरेक्ट करके आप नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि एक्स की वैल्यू 10 है, इसको मैंने वाई इज इक्वल टू एक्स पुट करा तो वाई की वैल्यू हो गई 10। अब x में भी 10 है, y में भी 10 है, y की वैल्यू 20 कैसे डालूं? तो ये प्रॉब्लम पड़ जाएगी ना। इसलिए आपको सोचना पड़ेगा कि क्या ये एल्गोरिदम मेरी फेल हो गई, नहीं कर सकता, तो दूसरा तरीका सोचेंगे। दूसरे तरीके में क्या कर सकता हूं कि मैं क्या करूं, x, y ठीक है अपनी अपनी जगह है, मेरे को स्वैप करने हैं, मैं क्या करता हूं एक और वेरिएबल ले लेता हूं कोई भी, टी, लेट सपोज मैंने टी ले लिया, मैं क्या करूंगा कि इसकी वैल्यू इधर सेव कराई, इस टी को यूज करके अगर मैं स्वैपिंग करूंगा तो बड़ी आराम से हो जाएगी। कैसे होगी देखिए, स्टेप वन मेरा रहेगा एक्स इक्वल टू 10 है, वाई इक्वल टू 20 है, टी में अभी मेरे कुछ भी वैल्यू नहीं पड़ी, खाली पड़ा है मान लीजिए। अब मैं क्या करता हूं, एक्स की वैल्यू 10 है, वाई की 20 है, एक्स में की वैल्यू जो है टी में पुट करा देता हूं। तो स्टेप टू मेरा हो गया,
टी इज इक्वल टू 10। इसका इसको सीडो कोड में लिखना है तो पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन टी, मैंने एक्स की वैल्यू टी में पुट करा दी, अब मेरा टी 10 बन चुका है। तो मैंने क्या करा, जो पिछली एल्गोरिदम जो बेसिक थी कि मैं इसको इधर डाल दूं इसको इधर डाल दूं, वो मेरी फेल इसलिए हुई थी क्योंकि मेरे पास वो वैल्यू एक सेव नहीं थी। तो मैंने बस इतना करा है कि ये 10 वैल्यू एक जगह अलग स्टोर करके रख दिया है। अब मैं क्या करूंगा, वाई की वैल्यू यहां 10 में पुट करा देता हूं। अगर स्टेप 3 देखें तो हम करेंगे, अगर ये करता हूं पुट वैल्यू ऑफ वाई इन एक्स, ये करूंगा तो मेरा आ जाएगा x की वैल्यू 20, y की वैल्यू 20 और t की वैल्यू 10। नाउ अगर देखूं तो x की वैल्यू 10 थी और y की 20 थी, ये तो स्वैप हो गया है। अब मुझे ये वैल्यू अगर इसमें डाल दूं जो मैंने बाहर सेव करके रखी थी x की, ये अगर इधर डाल दूंगा तो स्वैप हो जाएगा बड़े आराम से। लास्ट मेरा आ जाएगा पुट वैल्यू ऑफ टी इन वाई, तो ये स्टेप 4 आ गया मेरा, जिससे कि मेरी एक्स की वैल्यू हो गई 10 20, वाई की वैल्यू हो गई मेरी 10, टी की वैल्यू तो मेरी 10 है ही, उसको फिर बाद में देखना नहीं है क्योंकि मुझे क्या करना था, ये स्वैप कराना था और मैंने स्वैप करा दिया 10 से 20, 20 से 10, ये हो गया स्वैपिंग। ये इस तरह से मैंने कर दिया। अब इसमें एक चीज और हो सकती है, एल्गोरिदम का मतलब यह है कि हम लोगों को कम से कम, जो एक एफिशिएंट प्रोग्रामर होता है उसके लिए ये रहता है वो कम से कम मेमोरी यूज करे उसका प्रोग्राम। हमें तीन चीजों पे काम करना पड़ता है, मेमोरी, कंपाइल टाइम और कॉम्प्लेक्सिटी। ये तीन चीजों पे हर प्रोग्रामर को काम करना चाहिए। आपका प्रोग्राम ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो, बहुत ज्यादा टाइम लगाए, बहुत ज्यादा लंबा कोड हो तो वो अच्छा नहीं लगता। जितना शॉर्ट रखो कोड को उतना अच्छा है। मेमोरी भी, कि भाई मेमोरी नहीं खाना चाहिए। अब मैं ये अगर प्रोग्राम बना रहा हूं तो मेरे को तीन वेरिएबलों की जरूरत, तो एक ये मेमोरी मैं एक्स्ट्रा यूज कर रहा हूं इसको करने के लिए, हालांकि मेरा सिंपली हो गया। तो क्या कुछ ऐसा भी सोच सकता हूं, डिजाइन कर सकता हूं कि मेरे को ये तीसरे वेरिएबल की भी जरूरत ना पड़े। सो अब हम इसी सेम स्वैपिंग को करेंगे, ये स्वैप करेंगे विदाउट दिस वेरिएबल टी। इसके लिए भी एक एल्गोरिदम बना सकते हैं, किस तरह होगा वो मैं आपको दिखाता हूं। ना अगेन मेरे पास यही है, ए 10 है, बी 20 है। अब मुझे थर्ड वेरिएबल जो मैंने यूज किया था टी, वो यूज नहीं करना है मेरे को, वैसे ही इसको स्वैप करना है। तो ऐसा कुछ एल्गोरिदम। अब इसमें बेसिक मैथमेटिक्स लगा के अगर देखूं तो ए बी अगर मैं दोनों को ऐड कर दूं, ए प्लस बी 30 हो जाएगा। तो ऐसा करता हूं इसको ऐड करा और बी को बी इज इक्वल टू ए प्लस बी कर देता हूं, कर सकता हूं। तो बी की वैल्यू मेरी फाइनल 30 आ गई, बी अब मेरा 30 बन चुका है। अब क्या करता हूं, ए में ए की वैल्यू मैं कर देता हूं बी माइनस ए, इसका मतलब 30 माइनस 10 दैट विल बी इक्वल टू 20। तो ए के अंदर मैंने बी की वैल्यू स्वैप करा दी इतने स्टेप से। अब खाली बी की, जो बी के अंदर सिर्फ मेरे को अब ए का पार्ट रखना है, बी का पार्ट डिलीट करना है, तो वो भी सिंपल है। जब बी के अंदर जो पार्ट है वो है बी है अभी मेरा ए प्लस बी, अब ए जो है मेरा वो बी बन चुका है। तो यहां से बी के अंदर से अगर मैं माइनस कर दूं, मतलब बी में से बी माइनस ए कर दूं, तो मेरे पास सिर्फ ए का पार्ट रह जाएगा, इसका मतलब ये आ जाएगा 30 माइनस 20 दैट विल बी इक्वल टू 10। और ये एक दूसरा तरीका भी बना दिया मैंने कि मैं ये चीज को स्वैप कर सकता हूं। इसको अब एल्गोरिदम की तरह लिख देते हैं। स्टेप 1,
एड ए एंड बी एंड पुट द रिजल्ट इन बी। ए एंड बी को ऐड करा, रिजल्ट इधर रख दिया। स्टेप टू मेरा यह है, सब्ट्रैक्ट बी फ्रॉम ए एंड पुट द वैल्यू इन ए, हेंस ए गेट स्वैप्ड। ए स्वैप हो गया, यहां पर जो वैल्यू ए की थी वो जो बी की थी वो स्वैप होके ए में आ चुकी है। स्टेप थ्री लास्ट मेरा बचा, जो कि है मेरे को सब्ट्रैक्ट करना है अगेन बी फ्रॉम ए, क्योंकि वैल्यूज बदल चुकी हैं, यही वेरिएबल का काम है, उसकी वैल्यू हमेशा एक जैसी नहीं रहेगी, चेंज होती रहेगी। बी फ्रॉम ए एंड पुट द वैल्यू इन बी। तो ये मेरी एक और दूसरी एल्गोरिथम बन गई, ये मेरी 3 स्टेप में ही खत्म हो गई। तो ये पिछली वाली से थोड़ी ज्यादा एफिशिएंट है। क्यों एफिशिएंट है? क्योंकि यहाँ पे हालांकि कंप्यूटेशन मेरे को वहां से ज्यादा करनी पड़ रही है, पर यहां पर मेरे पास मेमोरी जो है, वहां 3 की जरूरत थी। मान लो कहीं मेरे पास मेमोरी की शॉर्टेज है, तो ऐसा कुछ बनाया कि ठीक है मैथमेटिकली मैंने कुछ करके और अपनी जो मेमोरी है उसको बचाया। और अगर देखेंगे तो ये 3 स्टेप में खत्म हो गया, तो मैंने थोड़ा सा स्टेप्स भी बचाया कि लंबा मेरा प्रोग्राम नहीं। हालांकि ये प्रोग्राम देखने में थोड़ा सा लग रहा है प्लस किया फिर माइनस किया फिर वहां से वहां हटाया, कॉम्प्लेक्स लग रहा है, बट इसने मेरी मेमोरी भी बचाई है। तो ये चीजों पे आपको देखना पड़ता है कि कॉम्प्लेक्सिटी कितनी रखने वाले हो आप, आपकी जो टाइम है लेंथ है कोड का वो, और उसके अलावा मेमोरी वो कितना यूज कर रहा है, इन 3 चीजों पे। और ये हमेशा सारी चीजें सेव नहीं कर पाते आप, ऐसा होता है कहीं आपकी मेमोरी बढ़ जाएगी तो आपकी कॉम्प्लेक्सिटी इजी हो जाती है। कभी कभार मैं अगर लंबा कोड लिख दूंगा तो वो थोड़ा इजी हो जाता है, पर अगर मेरे को कभी कभार मेमोरी बचानी है तो कॉम्प्लेक्स कोड हो जाता है। अगर मेरा कोड छोटा है तो उसका रनिंग टाइम भी कम रहेगा और समझने में भी थोड़ा ये रहेगा कि हो सकता है मैंने कुछ फंक्शंस यूज करे हो तो कॉम्प्लेक्स हो जाए। तो ये चीजें एक दूसरे पे डिपेंड करती है, जरूरी नहीं है आप 3ों को काबू में नहीं कर सकते, पर जिसकी जरूरत आपको ज्यादा है, जिससे आपको ज्यादा बेनिफिट मिलता है, उसको आप काबू में करने की कोशिश करें एज अ प्रोग्रामर, तभी आप ढंग से डेवलप चीजों को कर पाएंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। आपके पास जो एक्टिविटीज हैं वो आप कल तक करके सबमिट कर दें। थैंक यू।